आज बनाएंगे हम मोमोज़। और मोमोज़ बनाने के लिए प्याज बारीक कटी हुई, हरी 2 से 3 प्याज हैं, हरी मिर्च 8 से 10 बारीक चॉप करी हुई, और पत्ता गोभी बारीक चॉप करी हुई लेंगे। और ये सोयाबीन है भिगाया हुआ है, इसका चूरा कर लेंगे, क्योंकि चूरा जो है वो अच्छा नहीं आता। मैं इस वजह से उसको साबुत को लेता हूँ, उसको भिगाने के बाद उसका चूरा कर लेता हूँ। और ये मैदा है, इसको गूंद के हम थोड़ी देर रख देंगे। गूंद के रखने से थोड़ा ये सही हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार, नमक डाल के, और इसको पानी से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसको थोड़ी देर हम रख देंगे। इसमें थोड़ा सा हम ये वनस्पति घी है जो डाल रहे हैं इसमें, ताकि ये मोमो जो है हमारे मुलायम बने। ये देखिए इस तरीके से पानी से इसको थोड़ा थोड़ा आटे की तरह, जैसे आटा गूंदते हैं इस तरीके से गूंद के इसको हम तैयार कर लेंगे। और ये इस तरीके से गूंद के हम रेडी कर लेंगे आटे को, और इसको फ्रिज में रख देंगे। फिर ये पिन्नी में रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। और ये मोमोज के साथ की चटनी बनाने के लिए ये टमाटर लिए हैं हम, और ये लाल मिर्च है, और इसमें लहसुन, और ये पानी डाल के हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए उबलने के बाद में इस तरीके से हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसको सबको एक मिक्सी के जार में मैश करके इनकी सबकी चटनी बना लेंगे। और ये सारी चीज़ें एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। टमाटर हैं, लहसुन है, और मिर्च जो हमने सारा सामान उबाला था वो सबको एक जार में डाल के, और ये नमक, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। और ये ग्राइंड करने के बाद इस तरह से हमारी चटनी तैयार है। ये अब इसके अंदर का भरने के लिए जो बनाते हैं हम वो तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करके पहले प्याज है, हरी मिर्च है, और पत्ता गोभी है, इसको सबको डाल लेंगे। और ये सोयाबीन है मैश कर ली, इसको हम इसमें डाल लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार,
अजीनोमोटो नमक 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच और चाट मसाले के बाद में इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, डालेंगे हम विनेगर, वाइट विनेगर। और ये देखिए हमारा सोयाबीन का जो अंदर हमने स्टिफन बनना बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जो लोग गरम मसाला थोड़ा सा पसंद करते हो स्पाइसी, तो थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी रोटी सी बेल के उसको बनाएंगे और फिर भरे, आप देखो भरते हैं आपके सामने कैसे भरना है इनको। और देखिए इस तरीके से भर के हम जाली में, मोमोज की जो जाली होती है हमारे पास है ये, इसमें इस तरीके से स्टीम करने के लिए लगाएंगे। एक और मैं आपको भर के दिखाता हूँ कैसे बनने। देखिए इस तरीके से हम ऐसे भर लेंगे, तरीके से हम जालियों में स्टीम करने के लिए लगा लेंगे। और ये इस तरीके से स्टीम करेंगे हम, आप देख सकते हो स्टीमर के अंदर के रेडी हैं मोमोज। ऐसे मौसम में खाइए और आनंद लीजिए मोमोज का।